युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती का पोस्टर जलाकर विरोध जताया। उमा भारती ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलने को अनुचित करार दिया था। जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष मोनू सक्सेना के नेतृत्व में दर्जन भर कार्यकर्ता रंगमहल चौराहे पर पहुंचे और उमा भारती का पोस्टर और बैनर जलाया। इस मौके पर युवा कांग्रेस नेता मोनू सक्सेना ने कहा कि सचिन तेंदुलकर ने देश का गौरव बढ़ाया है, उन्हें भारत रत्न मिलना बिल्कुल उचित है, लेकिन उमा भारती इसे अनुचित ठहरा रही है, जो कि गलत है। ऐसे में युवा कांग्रेस मांग करता है कि उमा भारती सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। मोनू सक्सेना ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो युवक कांग्रेस सड़क पर आंदोलन करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज राजधानी भोपाल में उमा भारती का पोस्टर बैनर जलाया है और मांग की है कि वो देश की जनता से, राष्ट्र से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। जो ने बयान दिया है कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी को गलत दिया गया, जब सचिन तेंदुलकर राष्ट्र का सम्मान है, हिंदुस्तान की जनता की आन बान शान है, जब पूरे विश्व में उसने हिंदुस्तान की जनता की नाक ऊंची की है, तो उमा भारती ने ये अपमानजनक शब्दों को अगर वापस नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी रोडों पर आकर आंदोलन करेगी। जबकि शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में एक रोड का नाम सचिन तेंदुलकर रोड रखा, एक स्टेडियम में उनके नाम से एक बालकनी का नाम रखा। या तो शिवराज सिंह चौहान गलत है या उमा भारती गलत है, वो अपने आपस में फैसला करें और सार्वजनिक रूप से उमा भारती को माफी मांगनी चाहिए। EMS TV के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।